हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर भी आप नियमित रूप से डिक्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑडियो सुनने के पश्चात आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन सॉफ्टवेयर द्वारा व हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको 100% रिजल्ट आपको त्रुटियों के आधार पर उपलब्ध कराती है। सभी तैयार हो जाइए, 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए डिक्टेशन है, रेडी। आप में से जो आज प्रमाण पत्र ले जा रही हैं, वे इस विद्यालय के सीमित दायरे से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यता पूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यावहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकाओं की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भांति समझ लेंगी कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली भांति जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है। बहनों, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है, तो मैं वहाँ जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला, मुझे उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य में अपना एक विशेष स्थान है और इसका इतिहास नारी जागृति तथा उन्नति का इतिहास है। इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सर्वोच्च समाज सुधारक के द्वारा हुई थी, जिनके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा
आपके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी, और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इसी पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था, और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधि है, जिससे आपको गुरुता और भी बढ़ती है। माननीय सभापति जी, पिछले वर्ष में जो कपास के किसानों को खराब कीटनाशक दवाओं के कारण तथा महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ी, इसे इस वर्ष के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले साल में बहुत अधिक कपास का उत्पादन हुआ था और सरकार पूरी कपास को खरीद नहीं पाई थी, जिसके कारण किसान की बहुत दुर्दशा हुई थी। सभापति जी, गन्ने का कुछ वर्ष पहले बहुत अधिक उत्पादन हुआ, किसान को अपना गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा था। इसी तरह से 3 साल पहले प्याज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ, प्याज सड़ गई थी और किसान को प्याज का दाम नहीं मिला था। इसी तरह से पिछले वर्ष आलू सड़ गया था, लेकिन दूसरी ओर 2 वर्ष पूर्व रबड़ का आयात करना पड़ा, जिसके कारण पिछले वर्ष रबड़ का अधिक उत्पादन किसानों ने किया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान भारत के 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। जो किसान 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, स्वयं वह और उसके बच्चे आज भोजन रहित सोएं या उन्हें आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़े या अपने बच्चों को मजबूर होकर बेचना पड़े, तो इससे गंभीर बात देश में नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष में जब किसान की आर्थिक दशा खराब हो गई तो उसकी उपज कम होना स्वाभाविक था, क्योंकि अच्छे बीज, खाद और दवाएं लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, समय पर उसको ऋण नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी कपास के 37 किसानों ने आत्महत्याएं की थीं, और उस वक्त रिजर्व बैंक में इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन हुआ था, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गठित
उस समिति के सुझावों को प्रकाशित नहीं किया और न ही सुझावों पर अमल किया। सदन को और इस देश के लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। किसान की इससे अधिक बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अगर वह गेहूं का उत्पादन बढ़ाए तो गेहूं के किसान की आर्थिक दुर्दशा हो जाए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, आलू का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, प्याज का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी भी आर्थिक दुर्दशा हो जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा खराब हो जाए। आ जाइए, जो भी गूगल मीट के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई नया जुड़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारी डिक्टेशन यूट्यूब पर होती है, यूट्यूब पर होने के पश्चात में गूगल मीट का लिंक आपको साथ में दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़कर ग्रुप में एक क्लास की तरह माहौल में पढ़ सकते हैं। हेलो गाइस।